महीने 1 इंच तक बाल बढ़ेगा। यकीन नहीं होता ना, वीडियो देखते रहो। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आप जरूर किसी हेयर प्रॉब्लम से परेशान हैं। जब हम बालों को लंबा करने की कोशिश करते हैं तो एक कॉमन हेयर प्रॉब्लम है जो हम सबको फेस करनी पड़ती है, वो है बालों की ग्रोथ का स्लो होना। बाल जल्दी जल्दी बढ़ते नहीं है और फिर हम इरिटेट होकर उसे काट देते हैं, तो जो हमारा गोल होता है उस तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। बालों की स्लो ग्रोथ का बहुत सारा रीजन हो सकता है, और बैड न्यूज ये है कि आप एग्जैक्ट वो रीजन पता नहीं लगा सकते कि वो एक चीज है क्या जिसने आपके बालों के ग्रोथ को स्लो किया हुआ है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आप इन जनरल कुछ चीजें फिक्स कर सकते हैं जो ओवरऑल आपके बालों के हेल्थ को अच्छा करेगा और आपके हेयर ग्रोथ को भी बहुत प्रमोट करेगा। तो नॉर्मली आपके बाल जितना भी ग्रो हो रहे हैं उससे काफी ज्यादा ग्रो होने लगेंगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो लेट्स गेट इनटू इट। बाल क्या है? हमारे बॉडी का एक पार्ट। जिस तरह हमारी बॉडी ग्रो करती है कुछ उसी तरह हमारे बाल भी ग्रो करते हैं। और बॉडी की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर कोई बताता है ये, वो है डाइट। और आई से गुड डाइट। तो अगर आप अच्छा डाइट फॉलो करोगे तो आपके बाल भी अच्छे ग्रो होंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज आपको करनी है वो है आपको अपना डाइट ठीक करना है। अपने डाइट में प्रोटीन सोर्स ऐड करो, प्रोटीन रिच डाइट खाओ। अगर आप नॉनवेज खाते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, चिकन है, फिश है, एग्स है, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो फिर भी आपके पास ऑप्शन कम नहीं हो जाते, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हो, जैसे सोया हो गया, और भी कुछ कुछ ऑप्शन होते हैं, अगर आप ढूंढोगे तो आराम से मिल जाएगा। या फिर आप डेयरी बेस्ड ले सकते हो, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, फिर टोफू भी होता है। टोफू डेयरी बेस्ड है या प्लांट बेस्ड है आई डोंट नो, लेकिन टोफू भी बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो आपने सुना होगा कि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। तो सिर्फ बॉडी स्ट्रांग नहीं होती, साथ में हमारे बाल भी स्ट्रांग होते हैं, बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। तो आप जो भी करते हो उसका असर आपके फुल बॉडी पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोटीन खाओगे तो आपके मसल्स बन जाएंगे और बालों पे असर नहीं पड़ेगा ना। अगर आप प्रोटीन खाओगे तो आपके मसल्स तो स्ट्रांग होंगे ही, साथ में बाल भी स्ट्रांग होंगे। और मैं खुद का ही वीडियो देख रहा हूँ, तुम लोग तो देखते नहीं हो, मैं ही देख लूँ नहीं 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 वो बात नहीं है, एक्चुअली मैं खुद का वीडियो देखता हूँ ताकि मैं सीख सकूँ कि पिछली वीडियो में क्या गलती हुई थी मेरे से। देखूंगा, सीखूंगा, तभी तो ठीक करूंगा ना। और मुझे लग भी रहा है कि काफ़ी हद तक मैं ठीक कर पा रहा हूँ जो पहले गलतियाँ हो रही थी, बट ऐसा मुझे लगता है। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अपने डाइट में ऐड करनी है वो है, नहीं सिर्फ केला नहीं, फ्रूट और वेजिटेबल्स। क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ हमारे बॉडी और हमारे बालों के लिए विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बालों के लिए बायोटिन बहुत ज़रूरी होता है, जो वेजिटेबल फ्रूट्स में आराम से आपको मिल जाता है। इसीलिए तो हमेशा से हमें कहा जाता है ना कि वेजिटेबल्स खाओ, लेकिन हम खाते नहीं हैं, वेजिटेबल्स छोड़ के सिर्फ नॉनवेज के पीछे जा रहे होते हैं। नॉनवेज खाना ज़रूरी है प्रोटीन सोर्सेज के लिए, लेकिन सिर्फ नॉनवेज खाने से नहीं होगा, क्योंकि आपको विटामिन्स वगैरह भी चाहिए, तभी आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी, तभी आपके बालों का प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगा। और जितना हो सके घर का खाना खाओ, जंक फूड अवॉइड करो। बॉडी आपकी ऑप्टिमल कंडीशन में रहेगी तभी आपके बाल भी ऑप्टिमल कंडीशन में ग्रोथ हो पाएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि बालों के लिए क्या करते हो, क्या खाते हो। देखो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करता, मैं घर का सादा खाना खाता हूँ, बाहर का जंक फूड अवॉइड करता हूँ। हाँ कभी कभी खाता हूँ, ऑब्वियसली खाना पड़ता है, मन करेगा। अब अगर लाइफ इंजॉय नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंजॉय करने के चक्कर में सिर्फ वही खाए जा रहे हो। नहीं, घर का सादा खाना खाओ, सिंपल खाना खाओ, वो बेस्ट है। कभी कभी मन किया जंक फूड खाओ, लेकिन कोशिश करो उसको अवॉइड करो जितना हो सके, तभी तुम्हारी बॉडी अच्छी रहेगी तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। तो ये हो गया डाइट का बात, ओवरऑल आप समझ ही रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आप अच्छा डाइट ले रहे हो, वेरी गुड, लेकिन क्या आपका वो न्यूट्रिशन आपके बालों तक पहुँच रहा है? देखो हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारी उंगलियां मूव होते रहते हैं, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्कैल्प में हमेशा उतना अच्छा नहीं रहता। आपने देखा होगा जब भी फेस की बात की जाती है तो फेस मसाज करने का एक एडवाइस दिया जाता है कि फेस मसाज करो, स्किन टाइट रहेगा, ज़्यादा टाइम यंग रहोगे। क्यों? क्योंकि फेस मसाज करने से आपके फेस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है,
ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आते हैं, स्किन अच्छे से रिपेयर होता है, स्किन टाइट रहता है, आप ज्यादा टाइम तक यंग दिखते हो। सही बात है। सेम गोज फॉर आपका स्कैल्प। स्कैल्प को अगर आप मसाज करोगे तो फिर वहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से वहाँ पहुँचेंगे, फिर बालों के जो रूट्स है वो स्ट्रांग होंगे, बाल वहाँ से टूटने बंद हो जाएंगे और फिर ग्रोथ प्रमोट होने लगेगा। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जितने ज़्यादा आएंगे बाल उतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और उतना फास्ट ग्रो होंगे। मेक सेंस? तो अभी से बालों को मसाज करना शुरू करो, सॉरी बालों को क्या, स्कैल्प को मसाज करना शुरू करो रोज 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। लोगों को लगता है कि मसाज करने में बहुत टाइम लगेगा, नहीं यार, सिर्फ 2 मिनट रोज, सिर्फ 2 मिनट करो उतना ही काफ़ी है। और मसाज करना कैसे, ऐसे 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 ना, उस तरह बाल ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, ज़्यादा टूट जाएंगे। एकदम हल्के हाथों से, आराम से, प्यार से, बालों से प्यार करते हो ना, बस उसी प्यार से करना है। अंदर हाथ डालो और फिर आराम आराम से, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बालों को खींचने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम आराम से प्यार से करो। जितना प्यार बालों को करोगे उतना ही प्यार बाल आपको करेंगे, समझ रहे हो ना। अब अच्छा डाइट ले रहे हो, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, स्कैल्प को मसाज कर रहे हो, न्यूट्रिएंट्स बालों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या तुम कुछ ऐसा भी कर रहे हो जो तुम्हारे बॉडी के लिए डैमेजिंग है? कर रहे हो ना, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक चीज़ इंटर करती है तो हमारे बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है उसको रिपेयर करना। हमारी बॉडी हर चीज़ छोड़कर उसको रिपेयर करने में लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी बनी ही उस तरह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रखने की कोशिश करती है। बॉडी में कुछ भी टॉक्सिक आएगा बॉडी उसको रिपेयर करने में लग जाएगा, तो फिर तुम्हारी बॉडी का क्या होगा, बॉडी का ग्रोथ कैसे होगा? बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, बालों का ग्रोथ कैसे होगा, सोचा है कभी? बॉडी जब तक ग्रोथ पे फोकस नहीं करेगी तब तक ग्रोथ होगा ही नहीं, बॉडी तो पूरा टाइम फाइट करती रह जाएगी टॉक्सिक चीज़ों से, समझ में आ रहा है ना बात? तो ये सिगरेट पीना, दारू पीना, गुटखा खाना, ये सब जल्द से जल्द छोड़ दो, बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें मत डालो ताकि बॉडी ग्रोथ पर फोकस कर पाए। बॉडी का ग्रोथ होगा, बालों का ग्रोथ होगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं सैडली उनको नशे की आदत लग चुकी है और विथ नो सरप्राइज वो बाल लूज करना शुरू कर चुके हैं। मेरे ही एज के हैं, मेरे साथ ही पढ़े हैं, मेरा फुल हेड हेयर है, बाल गिरते नहीं हैं, लेकिन उनके बाल बहुत गिर रहे हैं, स्कैल्प ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इतना नशा कर रहे हैं, बॉडी पूरा टाइम वो नशे को फाइट करने में ही लगी हुई है, उनका हेयर ग्रोथ हो ही नहीं सकता, हेयर अच्छा हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है उनको ताकि वो ये नशा वगैरह छोड़ दें, लेकिन उनके लिए खुद की बॉडी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनका नशा है, मतलब बिना नशा किए वो रह नहीं सकते, तो फिर क्या ही किया जा सकता है? जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लोगे, आप खुद वर्क नहीं करोगे, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से। मैं यहाँ वीडियो में 1000 बातें बता दूँ, जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे आपका कुछ नहीं होने वाला। और लास्ट चीज़, मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें आजकल मैं ही बहुत ज़्यादा लैक करने लगा हूँ, वो है नींद। आजकल मुझे खुद बहुत अच्छे से नींद नहीं आती, लेकिन सोना हमारी बॉडी के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ा होगा, बहुत लोगों से सुना भी होगा कि हमारी बॉडी की जो भी रिकवरी होती है वो नींद में होती है, बॉडी की जो भी ग्रोथ होती है वो नींद में ही होती है। सोना हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सही से सो नहीं रहे हो तो ना तो आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से होगी, ना ही आपके बालों की ग्रोथ अच्छे से होगी। तो इसलिए आपको रोज़ रात को 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। लोग बोलते हैं जल्दी उठो जल्दी उठो, मुझे नहीं लगता कि उससे उतना कुछ फ़र्क पड़ता है। 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करो काफ़ी है। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप देर तक मत जागो रात को। हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं, बहुत देर तक जागे रहते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं, नींद सही से पूरा नहीं होता है, जो कि बहुत गलत बात है, उसी से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अगर आप सुबह 8 बजे तक सोते हो तो आप रात को 12 बजे तक जाग सकते हो, 12 बजे तक जाग रहे हो, सुबह 8 बजे उठ रहे हो, 8 घंटे की नींद सही है। रात को 1 बजे सोते हो, सुबह 9 बजे उठते हो, 8 घंटे की नींद सही है। रात को 10 बजे सो जाते हो, सुबह 6 बजे उठते हो, 8 घंटे की नींद सही है। तो 7 से 8 घंटे नींद लेने पर फोकस करो। कब सोना है कब उठना है वो आप अपने रूटीन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन सोना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके बालों की एक्चुअल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके बॉडी को अच्छे से रेस्ट नहीं मिल रहा है,
अगर आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं हो पा रही है तो बाल आपके ऑप्टिमम कंडीशन पे ग्रो नहीं होंगे। तो जो मैंने बोला था कि महीने में 1 इंच तक बाल ग्रो हो जाएंगे, वो है एक ऑप्टिमम कंडीशन। आप हर चीज़ अच्छे से फॉलो कर रहे हो, बॉडी को अच्छे से रेस्ट दे रहे हो, डाइट अच्छी रख रहे हो, तब वो ग्रोथ होगी। मेरी खुद की होती है उतनी, कभी कभी आजकल नहीं हो रही है क्योंकि आजकल मेरा नींद पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन जब मेरा नींद पूरा होता था तब मेरी ग्रोथ उतनी हो रही थी काफ़ी फास्ट। सिर्फ ये 4 चीज़ें 2 महीने के लिए फॉलो करो, फिर इसी वीडियो के कमेंट में आकर बताना कि कितना फ़र्क पड़ा। मैं तो यहीं हूँ,